प्यारे मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर हम रहते हैं और दिल्ली सरकार का नारा है कि कोई भी भ्रष्टाचार और कोई भी ऐसा कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कि प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता हो। इसी कड़ी में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सारे स्टाफ को आगाह कर रखा है कि कोई भी अधिकारी 10 से 11 के बीच में अपने कार्यालय में अनुपस्थित नहीं रहेगा। आज हमें मौका लगा जाने का सेक्रेटरी एजुकेशन जो कि कमिश्नर ट्रांसपोर्ट मनीषा सक्सेना जी का ऑफिस है, उसमें हम जब गए देखकर बड़ा दुख हुआ क्योंकि वहां जब हम पहुंचे तो वहां पर पता लगा कि जो हम फोन करते हैं वो फोन नहीं उठाए जाते क्योंकि वो नंबर उनके यहां फीड नहीं है। अब ये आप बताएं दोस्तों कि पब्लिक आज कोरोना काल में जहां दूरी से बात करने की बात कही जाती है या सभी को बोला जाता है कि आप कम से कम किसी कार्यालय में जाएं, किसी विभाग में जाएं और वहां पर जब हम लोग फोन करते हैं तो वहां पर गुप्त सूत्रों से पता लगा कि वहां पर अधिकारी नंबर देखकर फोन पिक नहीं करते। उसके साथ हमने स्ट्रिंग किया और ये देखा कि 10:40 पे हमारी जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट मनीषा सक्सेना जी हैं जो कि एक मीटिंग में गए थी। मैं मानता हूं कि आईएएस अधिकारी हैं, मीटिंग उनके पास बहुत हैं, वो डे टाइम से पहले भी और डे टाइम के बाद भी मीटिंग में रहती होंगी, परंतु उनका जो स्टाफ है वो स्टाफ वहां से नदारद था। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या इसकी जिम्मेवारी प्रशासन लेगा? क्या ये सारा कर्तव्य मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर है? आज हम लोग अगर अवेयर नहीं होंगे, उनको जानकारियां नहीं देंगे तो कैसे यह संभव हो पाएगा कि हमारी दिल्ली जो है, जिसके ऊपर हम फक्र करते हैं कि दिल्ली बाकी शहरों से अच्छी है या सभी जवाबदेही है, पर आज दिल्ली की शिक्षा का जो क्षेत्र है या शिक्षा विभाग का कार्य होता है, शिक्षा एक बहुत बड़ा विभाग है और जिसके प्रमुख जो है डिप्टी सीएम है और उनकी छत्र छाया के नीचे, उनकी नाक के नीचे आज उनके कार्यालय का स्टाफ 10:40 पर भी कार्यालय में नहीं था। आप सोचकर बताएं कि ऐसा होना ठीक है? ये एक सोचने का विषय है। मित्रों आज हम हैं ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। समय घड़ी में आप देख पा रहे हैं 10:40 हो गए हैं और हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ प्रशासन की 10 से 11 एक समय है पब्लिक से मिलने के लिए। तो अभी आप देखेंगे कि इस कार्यालय में कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है और यहाँ पर जब हम रिंग करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय है और ये कार्यालय की घड़ी में भी आप टाइम देख पाएंगे तो 10:30 हो रहे हैं। तो इस सभी विभाग के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा हुआ। अब 10 से जो टाइम है 11 का पब्लिक से मिलने का, उनसे कौन मिल पाएगा? जब हम उसके बाद में परिवहन विभाग के कार्यालय में आए तो वहां का मंजर देखकर हम लोग और परेशान हो गए कि जहां पर 10 से 11 मिलने का समय होता है वहां पर हमारे स्पेशल कमिश्नर पंकज जी जो कि अभी डिप्यूट हुए, उनके पास जब हम जाने का प्रयास किया तो उनके कार्यालय में जब गए तो वो अपने कार्यालय में कभी भी 11-12 से पहले नहीं आते और हर बार यह तर्क दिया जाता कि साहब मीटिंग में। हम पिछले लगातार 10 दिन से ये प्रयास कर रहे हैं कि उनसे संपर्क किया जाए। पहले उनके कार्यालय में संपर्क किया गया तो उनका एक नंबर चालू था, वहां पर एक क्लर्क है मिस्टर पवन, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर अभी नहीं आए, आएंगे तो मैं बात कराऊंगा। और ये करते करते लगातार हम जब कार्य करते रहे तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद हमने जब फोन शुरू करना शुरू किया तो वहां पर एक देवी जी कार्यरत हैं, उनसे बात हुई तो उनका भी जवाब यही था कि आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, अभी साहब मीटिंग में गए हुए हैं। 10 से 11 मीटिंग का टाइम पब्लिक के लिए है। आज हम लोग अगर अपने अधिकारी से नहीं मिल पाएंगे तो आप बताएं कि ये प्रशासन कैसे चल पाएगा, हमारी गाड़ियां चल कैसे पाएंगी। जो क्लिप अभी मैंने आज डाली है, आज फिर मैं वहां गया, जब एक हफ्ते से वहां हम जाते रहे और वहां बात नहीं हुई तो आज जाकर जब मैंने वहां बेल बजाई तो मेरा फोन नंबर वहां देखा गया और फोन पिक नहीं किया गया और मुझे यह कहा गया कि फोन खराब है। तो मेरे मित्रों आज कोरोना काल में जहां पर यह संभव है कि सभी को घर से बाहर नहीं निकलना और इस तरह प्रशासन का रवैया रहेगा तो इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज के दिन 5 अगस्त को प्रातः 10 से 11 पंकज जी की कोई मीटिंग किसी विभाग में नहीं थी,
उस समय अगर वो कार्यालय से एब्सेंट रहते हैं और हमारे लोग मिलने जाते हैं तो हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो इसकी आवाज उठानी चाहिए और इस वीडियो को आगे भेजना चाहिए। उनके कार्यालय के कुछ अंश है मैं आपको दे रहा हूं। मैं परिवहन साहब पंकज जी बैठते हैं और ये इनका स्टाफ है, तो यहां पर जो स्टाफ बैठा है तो आप में से कौन बात कर सकता है? मैडम साहब कब तक आते हैं? सुबह ही आते हैं। मैं लगातार परिवहन पंचायत से आपसे संपर्क करता हूं, एक तो आपका फोन बंद है। मेरे पास सर आप आज ही आए हैं। फोन पर बात करते हैं हम लोग। फोन खराब हो गया। कल हमारे लड़के आए थे 11 बजे तक बैठ के चले गए, साहब नहीं मिल पाए। सर तो आए थे, कल तो आए थे सर। कल तो आए थे सर। कितने बजे आए थे? कल सर आए थे मेरे ख्याल से 10:30 के समथिंग। कल लड़का 11:15 पे यहाँ से गया है और मैडम से बात हुई थी और मैडम आपसे बात हुई थी कि पवन आया तो आपने कहा अभी तक नहीं आया, 12 बजे के आसपास आते हैं। मैंने पीछे फोन किया था और निरंतर हम लोग देखते हैं, केजरीवाल साहब का आदेश है कि 10 से 11 मिलना चाहिए। मीटिंग करते हुए आते हैं। अब मीटिंग इस समय कहाँ होगी, मैं वहाँ जा सकूँ? कोई जानकारी है आपके पास? आप उनके स्टाफ से हैं, कहीं मीटिंग इस समय है उनकी? मुझे मीटिंग बता दें कहाँ पर है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये केजरीवाल साहब के पास जाएगी कि उनका प्रशासन जो है 10 से 11 कार्यालय में बैठने के लिए है और स्टाफ को नहीं पता कि साहब अभी कहाँ हैं। तो कोई जवाब दे सकती हैं आप? प्लीज बताएं जरा। हाँ बताएं, मैं होल्ड करता हूँ उसको। इंद्रजीत सिंह।